approve the minutes. अच्छा, जीरो का कितना आइडिया है वो? सात रुपए, बंद है बंद है। किसी को नहीं? नाम ही सुना है सर आपको। जो मैंने काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए मैं दिखा देता हूँ उसको, ठीक है? अजीरो में इसके लिए है क्या? अजीरो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है सारा, ठीक है? क्लाउड प्लेटफॉर्म जो सर्विसेज आप ऑपरेशन यूज कर रहे हैं एज इट इज आपको क्लाउड में ये देख रहे हैं ये अजूर की कंसोल है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की सर्विसेज दे रहा है ठीक है सारी की सारी इस कंसोल में अवेलेबल है जितनी भी सर्विसेज हैं ठीक है मैं बात कर रहा था एक्टिव डायरेक्टरी की अगर आपका ऑन प्रेमिसेस डोमेन कंट्रोलर चल रहा है ठीक है उस डोमेन कंट्रोलर में जितने भी यूजर चल रहे हैं ठीक है अगर आप उसको जो है दो तरह के उसमें सर्विस होते हैं या तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऑन प्रेमिसेस रखें और क्लाउड के बाद ट्रेडिशनल मेन कंट्रोलर में तो इसमें आपस में इंटीग्रेशन उनकी हो सकती है सेकंड चीज़ अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन मेरे पास मेन कंट्रोलर चल रहा है ठीक है उसमें जितने भी यूजर चल रहे हैं ठीक है उनको क्लाउड पर ले लिया जाए ठीक है उसके अलावा वहाँ पर जितनी भी जो मेरी सर्विसेज हैं तो वो यूज़र वहाँ से इंटीग्रेट हो सकते हैं ठीक है ये दो तरह के होते हैं फीचर ठीक है तो अगर कहेंगे तो मैं इसमें जो सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट है वो मैं करवा दूँगा ठीक है इसमें जो हार्वर्ड की इन्होंने पेपर से स्टैनफोर्ड रिपोर्ट है हार्वर्ड स्ट्रक्चर का जो उन्होंने डिस्कस किया वर्जी होगा ठीक है हार्वर्ड स्ट्रक्चर यही है कि ऑन प्रेमिसेस आपके पास कैसा चल रहा है तो उसको आप जो है वहाँ पे कैसा लिखता है ठीक है यहाँ पे अज्यूर एक्टिवेट्री जो है वो टोटल डिफरेंट है ये अज्यूर एक्टिवेट्री है ठीक है इसको देख लें ठीक है अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी जो हम नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है ठीक है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ठीक है जो हमारे पास हम एक्टिविटी यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स की फैसिलिटी है ठीक है इसमें उस तरह की फैसिलिटी नहीं है लेकिन इसमें कुछ अदर अदर फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा कस्टम डोमेन्स के फीचर्स हैं ठीक है आप इस तरह भी आप कर सकते हैं कि बाय बहुत ज़्यादा सुनिएगा सारे ठीक है जब हम अज्यूर का लाइसेंस लेते हैं ठीक है अज्यूर का लाइसेंस हम परचेज करते हैं बेसिकली SLA कंपनी जब कर रही होती है अज्यूर के साथ ठीक है तो उसमें फर्स्ट आपका एक यूजर नेम पीरियड होता है ठीक है जिस तरह मैंने अभी रणवीर लाइट एक्ट्रेट्स आउटलुक डॉट कॉम तो मेरे जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी कहलाएगी वो मेरी रणवीर लाइट एक्ट्रेट्स होगी ये मेरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है मेरी एक्टिव डायरेक्टरी भी इसी नाम से आ रही होगी ठीक है तो मेरा जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो रूट अकाउंट है वो किसके नाम से आ रहा होगा रणवीर लाइट एक्ट्रेट्स मेरे ऑन प्रीमिसेस क्या चल रहा है कॉर्बेट डॉट कॉम जब मेरा लॉगिन नेम वहाँ पे बनता है जिसना मैंने लाल एट द रेट कॉर्बेट डॉट कॉम बना ठीक है तो मैं कहता हूँ कि मेरा लॉग इन नेम वहाँ पे जाऊँ तो मेरा लॉग इन नेम भी एज एट इज आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो लॉग इन नेम गलत बनता है यहाँ पे अगर मैं यूजर भी क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट करा अली एट द रेट इसमें जो यूजर बनता है वो टोटली अगर डिफरेंट हो वो क्या बनता है इसमें बनेगा मतलब कि आईटेकनेट्स जो है आईटेकनेट्स डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम वो काफ़ी लेंथी नेम होता है ठीक है तो ये टोटली डिफरेंट है अभी मैं दिखा दूँ इसमें आपका यूजर क्रिएटर देख लीजिए अब इसमें यूजर नेम ये जो बना रहा है एक सेकंड में सब बोल देता हूँ इसमें देखें रहील आर्टिकल्स आउटलुक डॉट अभी आउटलुक डॉट कॉम है लेकिन इसके
इसकी जो मेन ट्रैफिक नदी वो ऑन आइसो ब्रॉडकॉम एक लंबा लेंथी नेम होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें आउट ऑफ ब्रॉडकॉम दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉर्बिट ब्रॉडकॉम यहाँ पे आउट ऑफ ब्रॉडकॉम है, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं जब वहाँ से सारे सारे यूजर्स को कॉल करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो मुझे वही डायरेक्टरी यहाँ पे भी चाहिए, वो डायरेक्टरी यहाँ पे भी चाहिए। इसको बोलते हैं कस्टम डायरेक्टरी। कस्टम डायरेक्टरी ऐसी है कि जब उस डायरेक्टरी को कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पहली यहाँ पे डिफॉल्ट चल रही है इसको ऑटोमेटिकली मैं शिफ्ट कर दूँगा सेकेंडरी मोड में और उसको प्राइमरी कर दूँगा। तो जब नेक्स्ट टाइम यूजर उसमें क्रिएट करूँगा तो वो मुझे कॉर्बिट डॉट कॉम उसमें, जब इसमें भी क्रिएट करूँ यूजर या एक्टिविटी में जाकर यूजर क्रिएट करूँ एक बॉक्स सकते हैं, ठीक है। ये काम भी इसमें किए जाते हैं, इसको भी बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर के सारे के सारे, ठीक है। इसकी लैब करना चाहते हैं तो मैं कल में सर्च करके स्टार्ट करता हूँ, इसकी लैब पूरी मैं करवा दूँगा। वहाँ पर इसमें चार पाँच यूजर कुछ मॉड्यूल्स कुछ ग्रुप मैं क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। उसके साथ इसके अंदर टूल इंस्टॉल होता है, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छे से उसको पता करना चाहते हैं तो कुछ एक दफा या इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पास किसी टेस्टिंग एनवायरनमेंट कर सकते हैं। अज्यूर इंट्रोडक्टरी अगर आप क्लिक कर ले देखिएगा अज्यूर इंट्रोडक्टरी, ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं या कंफिगर अज्यूर इंट्रोडक्टरी भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करें एंड देन ओके, तो ये पूरे के इंस्टॉल हो जाएगा। इस टूल का नेम लिखना चाहते तो लिख लें मेरे पास, इसको बोलते हैं एडी कनेक्ट, एस यू एडी कनेक्ट का फीचर होता है इसके लिए।